नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत। धुले में 50 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा से विधानसभा चुनाव की शुरुआत कर दी है। राहुल ने मैदान में 28 मिनट के भाषण में आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का किया जिक्र। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने उठाया सख्त कदम। अब पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं का नाप। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में लगाने होंगे महिला ट्रेनर। मुंबई एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में पुलिस जांच में आया नया खुलासा। मर्डर को अंजाम देने के लिए आरोपियों को कई इनाम देने का किया गया था वादा। गिरफ्तार किए गए 18 आरोपियों में से 4 को 25 लाख रुपए कैश, कार, फ्लैट और दुबई ट्रिप देने का दिया झांसा। आज सोने चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 700 बढ़कर 77,480 पहुंचा, तो वहीं चांदी 1,398 रुपए महंगी होकर 91,767 रुपए प्रति किलो बिकी। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 55 अंक की गिरावट के साथ 79,486 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 51 अंक गिरा। रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकावली रही। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में कांग्रेस चुनाव में हार के बाद अब संगठन पर काम करेगी। दरअसल आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस जिला से प्रदेश स्तर का नया संगठन खड़ा करेगी, ताकि नए छोटे कार्यकर्ताओं को मौका मिले और वह आगे आ सके। वहीं पद संभालने के बाद नए सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने इस काम की शुरुआत कर दिया है। दरअसल बघेल की गुपचुप तरीके से हरियाणा में एंट्री हुई है। इससे पहले हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की छुट्टी हो सकती है। बताते चले कि गुरुवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उदयभान ने बावरिया पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी ने हरियाणा में संगठन नहीं बनने दिया। रोहतक जिले में सड़क किनारे तंबू लगाकर सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियां चला रहे समाज सेवी एवं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 500 पुलिस कर्मियों के साथ एचएसवीपी के अधिकारियों ने तंबू को तोड़ दिया। साथ में आपको ये भी बता दें कि नवीन जय हिंद लंबे समय से आम लोगों की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनके खिलाफ पूरे प्रदेश की अलग अलग कोर्ट में कई केस चल रहे हैं। पहले जय हिंद सेक्टर 6 स्थित बाग से अपनी गतिविधियां चला रहे थे, जिसे प्रशासन ने बाग को खाली करवा लिया था। इसके बाद सड़क किनारे तंबू लगाकर जय हिंद ने गतिविधियां संचालित की। दरअसल भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी जय हिंद की गतिविधियां जारी रही। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 को लेकर हुए हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि वह 370 वापस लाने की कोई संभावना नहीं है। अगर ये किसी की साजिश है तो इसे कभी सफल नहीं होना दिया जाएगा। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में खूब हंगामा हुआ, जहां विधानसभा में पीडीपी विधायक की तरफ से अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद जमकर बवाल हुआ। इसके बाद विधायकों के बीच हाथापाई भी हुई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 का विषय नया नहीं है, ये तब से है जब देश का संविधान बना था। पूरे देश में मांग थी कि 370 को खत्म किया जाए। मनोहर लाल ने कहा कि अब देश के किसी भी व्यक्ति, संगठन, पार्टी की ऐसी कोई साजिश जो 370 की वापसी में सफल नहीं होने दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शुक्रवार को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां वे चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से बैठक करेंगे। मीटिंग में ट्राई सिटी में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, चंडीगढ़ में बिजली का निजीकरण से लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। अगली खबर हरियाणा के हिसार की है, जहां जिले के अग्रोहा में बिजली के ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने की खबर सामने आई है।
जब इसकी जानकारी बिजली निगम के अधिकारियों को लगी तो SDO ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। बता दें कि पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ में ये भी बताते चले कि अग्रोहा पुलिस को दी गई शिकायत में बिजली निगम अग्रोहा के SDO ने बताया कि एरिया लाइनमैन द्वारा साइट 5 नवंबर को चेक करने पर पता चला कि 4 नवंबर को अग्रोहा को ट्रांसफार्मर में से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 98 लीटर तेल चोरी होने की बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि बिजली ट्रांसफार्मर में से चोरी किए गए तेल की अनुमानित लागत हजारों रुपए में है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बिजली ट्रांसफार्मर से लेकर तेल चोरी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।